हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छा ही होंगे। मेरे ख्याल से मैं 100% श्योर हूँ यार। अगर हम लोग अपना जो इसराइल फलस्तीन में जो लड़ाई चल रहा है उनका बहुत बुरा हाल है दोस्तों, उन लोग से कंपेयर करें तो हम लोग बहुत अच्छे मज़े में हैं दोस्तों। और भगवान से दुआ और प्रे करना दोस्तों कि उन लोग के लिए जो जो काफ़ी लोग मारे गए हैं, उनका परिवार बिछड़ गया है, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया है, किसी का बेटा मर गया है, तो बहुत दुख की बात है दोस्तों। तो चाहे फलस्तीन के साइड हो, चाहे आपको इसराइल के साइड हो, कोई भी साइड हो, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, बस इतना बोलूँगा भाई। अब इंसान की नहीं, जो इंसान लोग मर गए हैं या जिसका बिछड़ गए, उन लोग के लिए आप जरूर प्रे करना, दुआ करना, ठीक है दोस्तों। मैं चलो बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा ये आपका आसूस का RX 5700 XT, और इसमें भले वारंटी ख़त्म हो गया है लेकिन आपको हमारे साइड से 3 डेज़ का टेस्टिंग वारंटी आपको मिल जाएगा। और वारंटी ख़त्म हो गया है इसलिए उसके हिसाब से प्राइस भी ठीक रखा है सेलर ने। इसका प्राइस मिलेगा 11,800 रुपये, और आप वारंटी में लेते हैं 5700 तो आपको लगभग 14-15 हज़ार के आसपास मिलता है। तो मेरे ख्याल से 11,800 के हिसाब से अच्छा ही प्राइस रखा है आपको। इसमें आपको हमारे साइड से 3 डेज़ का टेस्टिंग वारंटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहिए हमारे वेबसाइट zoka.com से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगला है MSI Mac 2X 6500 XT, और ये जस्ट 10-15 दिन पुराना ही है। पुराना मतलब बिल 10-15 दिन हो गए, बिल बना हुआ है, बिल कट गया है किसी के नाम पे, लेकिन वो पूरा ब्रांड न्यू सील्ड पैक है, तो पूरा अभी तक सील ओपन भी नहीं हुआ बॉक्स का। तो ऐसा हो सकता है कि बायर ने पहले ऑर्डर किया हो सेलर से, तो मतलब फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया हो, इसलिए सेलर सस्ते में निकाल देंगे। 6500 XT 11,000 का मेरे ख्याल से ब्रांड न्यू 10-15 दिन पुराना मतलब बिल पुराना है, लेकिन पैकेट पूरा अभी भी ग्राफिक्स कार्ड पूरा सील पैक है, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही प्राइस है। क्योंकि अगर आप नया लेने जाते हैं, अभी इसका प्राइस नया में 15,000 के आसपास चल रहा है, तो 12,000-11,000 पूरा ब्रांड न्यू सील पैक 15 दिन पुराना बिल के हिसाब से बहुत अच्छी प्राइसिंग है, जाके ले सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से, ठीक है। अगला है गीगाबाइट का गेमिंग OC RTX 3070 Ti, और ये जुलाई 2022 का बिलिंग है, तो जुलाई 2025 तक की वारंटी बाकी है, ऐसे पकड़ के चल सकते हैं, 3 साल की वारंटी होता है, इसलिए बिल एंड बॉक्स दोनों अवेलेबल। इसका प्राइस पड़ेगा 24,500 रुपये, तो मेरे ख्याल से यार अच्छी वारंटी है गीगाबाइट का भी, तो मेरे ख्याल से 24,500 बहुत अच्छा प्राइस से ले सकते हैं, ठीक है। अगला है आसूस GTX 1660 Super विद बिल बॉक्स दोनों अवेलेबल है, 20-25 डेज़ ओल्ड है जस्ट, और 14,200 रुपये, 14,200, ये भी बहुत तगड़ा अच्छा प्राइसिंग है यार। अगर आप 1660 Super लेते हैं तो मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार का आ रहा है, तो जस्ट 20-25 दिन पुराना से कोई क्या फ़र्क पड़ता है, नया ही है, जैसे फोटो में देख पा रहे नया ही है पूरा, 14,200 में बहुत अच्छा सेविंग है, आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला है Galaxy RTX 3060 Ti 2 ईयर्स की वारंटी विद बिल एंड बॉक्स, इसका प्राइस पड़ेगा 18,500 रुपये, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्राइस है। अगला है सफायर पल्स 6600 XT 1 ईयर की वारंटी विद बिल एंड बॉक्स, इसका प्राइस पड़ेगा आपको 14,599, तो ये भी अच्छी डील है, जिसको चाहिए जाके वेबसाइट से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगला है Inno 3D Twin X2 RTX 2060 Super, इसमें हम सेलर बता रहे बहुत औसम कंडीशन में है, 15 डेज़ का टेस्टिंग वारंटी, इसका प्राइस पड़ेगा 11,500 रुपये, तो जिसको चाहिए ले सकता है, ये भी अच्छी प्राइस है यार 2060 Super के हिसाब से, ठीक है। अगला है GTX 1050 Ti 4GB बॉक्स अवेलेबल और कंडीशन लाइक न्यू, आपको इसमें आपको सेलर वारंटी या आपको जोकार्ड की तरह से वन मंथ की वारंटी आपको मिल जाएगा, इसका प्राइस पड़ेगा 4,700, तो इसको चाहिए ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्राइसिंग है भाई, ले लो जल्दी से, ठीक है। अगला है गीगाबाइट का RX 5700 बिल बॉक्स अवेलेबल नहीं है लेकिन रिसीव फ्रॉम RMA, और इसमें आपको 3 डेज़ का टेस्टिंग वारंटी मिल जाएगा, वारंटी नहीं बचा लेकिन पूरा बहुत नया है, क्योंकि रिसीव फ्रॉम RMA अच्छी कंडीशन, पूरा फ्रेश कंडीशन है, इसका प्राइस पड़ेगा 9,599 रुपीज़, जिसको चाहिए हमारे वेबसाइट zoka.com से ले सकता है। तो आज इतना ही डील से दो, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड या कोई भी PC पार्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी अपना सेकेंड हैंड PC पार्ट सेल करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर अकाउंट बना के अपना सेकेंड हैंड PC पार्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो पसंद आया, और ऐसी फ्यूचर में और अच्छी डील के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बस आज के लिए, चलो टाटा बाय बाय।